अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर टू है डेप्रिसिएशन और इससे पहले हमने डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स देखे एक हमने देखा था स्ट्रेट लाइन मेथड और फिर हमने देखा था यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड आज के लेक्चर में हम वर्किंग आवर्स मेथड के बारे में बात करेंगे वर्किंग आवर्स मेथड के अंदर जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स हमने जिस तरह से यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड देखा था वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कोई भी हमारा असेट जिसमें मशीनरी की बात की जाएगी वो असेट हमारा कितने यूनिट्स टोटल प्रोड्यूस कर सकता है ठीक है उसको प्रोड्यूस करने के दौरान हमारी मशीनरी जो है कुछ डेप्रिशिएट भी हो रही होती है उस डेप्रिसिएशन की एक्चुअल कॉस्ट को मालूम करने के लिए कितना एक्सपेंस हमें उसके ऊपर लग रहा है उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था और यहाँ पे भी हम वर्किंग आवर्स मेथड के अंदर भी हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और सेम वैसा ही फॉर्मूला है इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ आपका एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स आ रहा है ठीक है जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में भी हमने ये देखा था वहाँ पर हमारे पास एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स आ रहा था सवाल हमारा वही यहाँ पे दिया गया है जो हम पिछले दो मेथड्स में फॉलो करते आए हैं और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे डेटा तैयार कर लिया कॉस्ट हमें यहाँ पे दी हुई थी रुपीज़ टू लैख स्क्रैप वैल्यू दी हुई थी रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड्स और एस्टिमेटेड लाइव इन आवर्स दी हुई थी एटी थाउजेंड्स यानी कि अस्सी घंटे की इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम रखना शुरू करें सब चीज़ों को तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर को हमने यहाँ पे फॉर्मूले को उतार लेते हैं और कॉस्ट की जगह हम लिख लेंगे टू लैख माइनस ट्वेंटी थाउजेंड्स डिवाइडेड बाय एटी थाउजेंड्स इसका सप्रैक्ट करके और डिवाइड करके हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर यानी कि एक घंटे की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी रुपीज़ टू पॉइंट टू फाइव पर आवर यानी कि एक घंटे में हमारा असेट जो है वो टू पॉइंट टू फाइव रुपीज़ डेप्रिशिएट हो रहा है ठीक है ये तो हमने एक घंटे की बात कर ली अगर हमें एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी हो सालाना डेप्रिसिएशन निकालनी हो उसके लिए हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन स्केजुअल हमने यहाँ पे लिया है और इसको हम सब चीजों को कॉलम्स में रख रहे हैं सबसे पहले हमने एयर का कॉलम बनाया रेट इन टू आवर्स यूज यानी कि कितना हमने आवर्स में यूज कर लिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एकटेड डेप्रिसिएशन और लास्ट में हम इसकी बुक वैल्यू मालूम करेंगे कि कितनी उसकी बुक वैल्यू घटती जा रही है सबसे पहले फॉर दिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड नाइन का आपने सवाल के अंदर देखा होगा कितनी कंजप्शन हुई उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी जो हमने पर आवर मालूम किया था ठीक है थ्री थाउजेंड आवर्स जो है वो यूज़ हुई 2009 में और एक आवर का डेप्रिसिएशन कॉस्ट आती है 2.25 इस हिसाब से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा इस साल का बना छः हजार सात सौ पचास रुपये भी सेम रहेगी क्योंकि हमने इससे पहले कोई डेप्रिसिएशन कॉस्ट उसकी निकाली नहीं थी एक्सपेंस निकाला नहीं था और जब हम दो लाख में से छः हज़ार सात सौ पचास माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वन लैख नाइन्टी थ्री थाउजेंड एंड टू फिफ्टी फिर हम नेक्स्ट ईयर आ गए फॉर दिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड एंड टेन और सेम वही काम किया रुपीज़ टू पॉइंट टू फाइव को मल्टीप्लाई कर लेंगे थर्टी फाइव हंड्रेड आवर्स ये थर्टी फाइव हंड्रेड आवर्स जो है यूज़ हुई मशीन हमारी असैट हमारा यूज़ हुआ दो हज़ार दस में और उनका प्रोडक्ट आ जाएगा सेवन थाउजेंड एंड एट सेवेंटी फाइव इस 7875 को हमने ऐड कर लिया अपने पिछले ईयर की डेप्रिसिएशन के साथ तो एक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी 14625 हो गई और जब हमने वन लाइक नाइन्टी में से माइनस कर दिए 7875 तो वैल्यू आ जाएगी वन लाइक एटी नेक्स्ट ईयर आ गए हम फॉर दिसंबर 31, 2011 सेम वही काम 4500 आवर्स हमारी मशीन यूज़ हुई थी और 2.25 पर आवर कॉस्ट थी या पर आवर एक्सपेंस था इनको मल्टीप्लाई करके टेन थाउजेंड वन ट्वेंटी फाइव डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया दो हज़ार ग्यारह का और हमने इसको पिछले ईयर के साथ जब प्लस कर लिया तो एक्बिलिटेड डेप्रिसिएशन बन गई चौबीस हज़ार सात सौ पचास रुपए उसके बाद हमने वन एटी फाइव थाउजेंड थ्री सेवेंटी फाइव में से माइनस कर दिए टेन थाउजेंड वन ट्वेंटी फाइव आंसर हमारे पास आ जाएगा इनके बुक वैल्यू हमारी 2011 में जाके जो मशीन है उसकी बुक वैल्यू हो जाएगी वन सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड टू फिफ्टी इसके बाद बाकी तमाम जर्नल एंट्रीज हमने वैसे ही पास करनी है जैसे हम अपने पिछले दो लेक्चर्स में देखते आए हैं इसी तरीके से पार्शल बैलेंस शीट भी वैसे ही बनेगी और उस पार्ट को मैं स्किप करके अपने नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर जाऊंगी उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा इस लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम इस ई एड्रेस या फिर हमें कमेंट सेक्शन में अपने तमाम सवाल पूछ सकते हैं और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अल्लाह हाफ़िज़